ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। मांग का नियम क्या होता है, ठीक है, इन लॉ ऑफ डिमांड, बाय लॉ ऑफ डिमांड वी जस्ट गेट टू नो अबाउट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ क्वांटिटी, बिहेवियर इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर व्हेन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी फॉल्स और राइजेस। जब किसी भी वस्तु की कीमत घटती है या बढ़ती है तो उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है, केवल एक गुणात्मक जानकारी हमें मिलती है लॉ ऑफ डिमांड से, मांग के नियम से, ठीक है। दिस लॉ डजंट टेल अस हाउ मच इंक्रीज विल बी देयर इन क्वांटिटी डिमांडेड इफ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी फॉल्स बाय 1% और 2% और if there is any increase in the price of any commodity, how much will be fall in the quantity demanded? या फिर अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्रा में कितनी कमी होगी, इसके बारे में कोई भी सूचना हमें नहीं प्राप्त होती है लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम से। तो अब ये सूचना कैसे प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी दूसरे मेजर से जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, तो इन न्यू चैप्टर वी विल सी व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच क्या होती है, ये हम नए चैप्टर में अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स इट इज ए मेजर, इट इज ए टूल बाय विच वी कैन मेजर, वी कैन गेट टू नो हाउ मच परसेंटेज चेंज मे अकर इन द क्वांटिटी डिमांडेड इफ देयर इज एनी राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ सर्टेन गुड। जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन आए, मतलब खुद की कीमत पे कोई परिवर्तन आए, कीमत बढ़ जाए या घट जाए, तो उसकी मांगी गई मात्रा पे क्या परिवर्तन आया आएगा, बाय चांस 1% कीमत में परिवर्तन आया तो उसका रिजल्ट मांगी गई मात्रा में क्या होगा। सो दिस इज ए मेजर टू know the extent of change, degree of extent in change in quantity demanded when there will be some change in price। ये एक extent है, मतलब ये एक degree है, कोई एक निश्चित सीमा मापता है कि किस सीमा तक मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो सकता है यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आए। ये टूले एक है, टूले इकोनॉमिस्ट इन्होंने लिखा है, टूले द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। ये टूले के अकॉर्डिंग मांग की लोच एक मेजर है, एक माप है जो यह मापता है कि यदि वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन आए या संबंधित वस्तुओं की कीमत में आए, दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आए या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आए तो कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता है, वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो किस तरह से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन लाएगा, मांगी गई मात्रा कैसे जाएगी, कैसा उसमें परिवर्तन होगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीन तरह के, मतलब तीन बातों का इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, फर्स्ट की मांगी गई मात्रा पे तीन बातों का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। देखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड
कंज्यूमर्स इनकम, तीन बातों का प्रभाव पड़ रहा है, वस्तु की खुद की कीमत, संबंधित वस्तु में वस्तुओं की कीमत या दूसरी वस्तुओं की कीमत, और तीसरा है उपभोक्ता की आय। पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था ना, इफ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस ही विल इंक्रीज द कंसम्पशन ऑफ नॉर्मल गुड, इफ हिज इनकम फॉल्स ही विल डिक्रीज द कंसम्पशन ऑफ नॉर्मल गुड। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ा देता है, नहीं तो वस्तुओं की मांग कम कर देता है। और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़े थे, और इसके बाद जो तीसरा क्रॉस प्राइस इफेक्ट, इसके भी बारे में पढ़े थे, मांग की तिर्यक लोच। क्रॉस प्राइस इफेक्ट मतलब जो मांग का तिर्यक प्रभाव जो पड़ेगा, इन सब के बारे में पढ़े थे, कैसे हाउ प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड अफेक्ट द डिमांड फॉर ए कम्युनिटी, हाउ प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अफेक्ट द डिमांड फॉर ए कम्युनिटी, कैसे संबंधित वस्तुएं जो भी हैं पूरक वस्तु में है तो उनकी कीमत में परिवर्तन कैसे किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन लाएगा। और इसके अलावा एक चीज संबंधित वस्तु में मतलब पूरक वस्तु में, और दूसरी जो है स्थानापन्न वस्तु में है उनकी कीमत में परिवर्तन कैसे किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन करेगा, ये सब चीजें पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो तीन तरह की इलास्टिसिटी भी हो गई जब तीन तरह के प्रभाव देख रहे हैं। When there are three types of effect on, means three factor affect the demand for a commodity. So there are three types of elasticity. But in our study, there is only one type of elasticity, price elasticity of demand. So तीन तरह की यहाँ पे elasticity है हो रही है, ठीक है। तो कौन है तीन तरह की इलास्टिसिटी है? पहली है कीमत इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्स द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में यानी कि मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मापती है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच पहला। दूसरा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मेजर्स द चेंज इन डिमांड व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द इनकम ऑफ बायर। आय मांग की आय लोच, आय लोच में क्या होता है कि जो क्रेता है उसकी आय बढ़ती है या घटती है आय में परिवर्तन से, मांग में जो परिवर्तन आता है उसको मापती है मांग की आय लोच। अब क्रॉस प्राइस, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जब संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन आता है तो उसका किसी वस्तु की मांग पे जो परिवर्तन आता है उसको हम मांग की तिर्यक लोच से मापते हैं। तो हमें केवल पढ़ना है पहला वाला, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी मीनिंग तो अब तक सब लोग जान गए होंगे। इसमें हमें क्या देखना है प्राइस इलास्टिसिटी में? क्या देखना है प्राइस इलास्टिसिटी में? क्या क्या दिखाया जाएगा, किस किस के बीच में रिलेशन दिखाया जाएगा, कौन सा मेजर करेगा, बताओ किसी को पता है इसमें क्या मापते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किसका इफेक्ट देखते हैं? डिमांड में प्राइस का मतलब क्या है? मांग की कीमत लोच में कीमत को देखेंगे ना। हाँ राजेंद्र बोलो, क्या बोलना है? मांग की कीमत लोच है तो कीमत की ही इलास्टिसिटी देखी जाएगी, कीमत का प्रभाव क्या हो रहा है ये देखा जाएगा।
टॉम ज्वाइन किया है, माइक ऑफ करो, अजोगिता माइक ऑफ करो, ये क्या हो रहा है इसका रोटेशन, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस इट इज ए मेजर दैट it is a measurement by which we can measure the percentage change in quantity demanded due to percentage change in own price of the commodity. जब किसी वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन आता है तो उससे वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा, कितना परसेंटेज में परिवर्तन होगा, वो हम मापते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से. ठीक है, इट इज अ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज अ डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से. अब ये किस तरह से मापते हैं, इसके कई तरीके हैं, बट इन अवर सिलेबस देयर इज ओनली वन मेथड, दैट इज परसेंटेज मेथड. हमारे सिलेबस में केवल प्रतिशत विधि है, तो हम केवल प्रतिशत विधि पढ़ेंगे. किसी के पुरानी बुक अगर किसी के पास है तो उसमें दूसरे मेथड पर लिखे होंगे, आर्क मेथड, पॉइंट मेथड, डायग्राम मेथड, और मतलब ये सारे तो एक ही हैं. और इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी है, वो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. तो हम वो दोनों मेथड नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट मेथड या डायग्राम मेथड नहीं पढ़ेंगे, केवल यही पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड. इन परसेंटेज चेंज मेथड वी सी द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इसमें क्या देखना है कि किसी वस्तु की खुद की कीमत बदलने से मांगी गई मात्रा में आए हुए परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में आए हुए प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में आए हुए प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात देखना है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. पहले हमें क्या लिखना है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ है ये लिखना है, फिर अपॉन करना है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन. तो अब प्रतिशत का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल डिमांड और ओरिजिनल डिमांड इनटू 100. ये फार्मूला हो गया किसका, मांग में या मांगी गई मात्रा में आए प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला. ठीक है, मांग में परिवर्तन और बटे आरंभिक परिवर्तन, आरंभिक मांग, और गुणा कर देंगे 100 से. परसेंटेज चेंज इन प्राइस मीन्स चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. कीमत में परिवर्तन बटे आरंभिक कीमत गुणे 100, ये हो गया. ठीक है, अब इसी फार्मूले को आगे और बढ़ाएंगे तो 100 तो कट गया, कैंसिल हो गया. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स Q1 हियर, Q1 means new quantity and Q means old quantity, original quantity. So new quantity minus old quantity upon old quantity or original quantity. नई मात्रा माइनस करेंगे पुरानी मात्रा को, भाग दे देंगे पुरानी मात्रा से.
ठीक है, ये किसका है, ये ऊपर वाले पार्ट का है, चेंज इन डिमांड का, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनिशियल डिमांड, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड का, ये हो गया 100 100 हो गया, 100 100 ऊपर भी थे नीचे भी थे, कैंसिल हो गया, अपॉन P1 फॉर न्यू प्राइस एंड P इज फॉर ओल्ड प्राइस। P1 का मतलब यहाँ पे नई कीमत से है और P से मतलब है पुरानी कीमत से। P1 माइनस P मीन्स चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस ओल्ड प्राइस ओरिजिनल प्राइस जो आरंभिक कीमत है वो हो गया P, P1 हो गया नई कीमत, नई कीमत में पुरानी कीमत माइनस की और भाग दे दिया P से। ठीक है, अब इसी को आगे और डेल्टा क्यू डेल्टा मीन्स होता है चेंज, डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू ये हो गया ऊपर, अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी ये हो गया नीचे। ठीक है, अब इसको हमको ऊपर लाना है लोअर फ्रैक्ट का जो फ्रैक्शन है, इफ वी वांट टू गेट इट अपवर्ड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड मीन्स इनवर्स ऑफ डेल्टा पी अपॉन पी विल बी मल्टीप्लाइड ऑन मल्टीप्लाइड टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू में इसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फाइनल हमारे पास आया फार्मूला ये आया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। हेयर वी सी नेगेटिव साइन एक जो रखा हुआ है हमारे फार्मूले के पहले। ठीक है, अब ये क्यों लगाया जाता है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, दिस नेगेटिव साइन इज पुट टू चेंज द नेगेटिव सिंबल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मांग की लोच है वो नेगेटिव साइन में आती है, ऋणात्मक उसका मान आता है, इसलिए हम उसके पहले माइनस लगा देते हैं फार्मूले के पहले ताकि जो भी चेंज है वो पॉजिटिव दिखे। ठीक है, चेंज जो है वो प्लस में दिखे, बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर, इफ वी पुट नेगेटिव साइन देन इट विल नॉट बी ईजी टू कंपेयर, देयर मे बी कंफ्यूजन टू कंपेयर द इलास्टिसिटी ऑफ टू गुड, दो वस्तुओं की हमें इलास्टिसिटी समझने में कंफ्यूजन हो सकता है अगर हम ये नेगेटिव साइन लगा के प्लस में नहीं चेंज कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो, इफ आंसर इज -1 and -2, मैथ्स में क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मैथ्स -2 इज लोअर देन -1, मैथ के अकॉर्डिंग तो -1 जो है वो ज्यादा हुआ, -2 कम हुआ। ठीक है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बट इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 मीन्स देयर विल बी 1% चेंज इफ प्राइस इज चेंज बाय 1%, एंड -2 मीन्स देयर विल बी 2% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इफ प्राइस इज चेंज बाय 2%। -1 का मतलब है कि अगर कीमत में 1% का परिवर्तन आए तो मांगी गई मात्रा में 1% की कमी आ जाएगी, -2 का मतलब मांगी गई मात्रा में 2% की कमी आ जाएगी अगर कीमत में 1% का परिवर्तन आए। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेम रेशियो में हो रहा है चेंज, यहाँ पे डबल हो जा रहा है चेंज, तो -2 में चेंज ज्यादा हो रहा है, और अगर हम ऐसे माइनस माइनस कंपेयर करें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें लगेगा कि इन -2 देयर विल बी लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज होगा जब आंसर हमारा -2 आएगा। ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन को हटाने के लिए उसके पहले प्रेफिक्स कर देते हैं साइन को, जैसे ये -2 इसका आंसर आया, इसका मतलब है कि इफ प्राइस इज चेंज बाय 1% देयर विल बी 2% नेगेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 1% अगर कीमत में कमी आई तो 2% मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी,
तो इसलिए इसको ऐसा रखते हैं, प्लस में कर देते हैं, ताकि आपस में कंपेयर कर सकें, किसी भी दो गुट की प्राइस इलास्टिसिटी को समझ सकें कि हमें कौन से में ज्यादा है, पहले वाले में ज्यादा है या दूसरे वाले में ज्यादा है, इसलिए इसको रखते हैं। अब वाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसिडर्ड एज परसेंटेज चेंज। अब हम जो परिवर्तन ले रहे हैं वो केवल प्रतिशत में क्यों ले रहे हैं? अभी तक जिस जो बताया है वो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है अभी तक वाले में तो वो बताए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई अभी तक इस फार्मूले के? पहले माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो हमारा आंसर है वो प्लस में चेंज हो जाए, पॉजिटिव में आए, सो दैट वी कैन कंपेयर द इलास्टिसिटी ऑफ टू कमोडिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टू कमोडिटी, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच की जो कीमत लोच है उसको हम समझ सकें, इसलिए ऐसे लगाते हैं। अब इसके बाद है कि हम ये परसेंटेज चेंज में ही क्यों रखते हैं? बिकॉज इफ वी प्रेजेंट, इफ वी शो द चेंज इन एब्सोल्यूट नंबर, देन वी विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टू कमोडिटीज, टू गुड। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में रखें, एब्सोल्यूट नंबर का मतलब निरपेक्ष मान रखें, तो हम दो वस्तुओं के बीच में तुलना नहीं कर पाएंगे कि किसका किसकी इलास्टिसिटी कम है, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, ये कंपेयर करने में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एग्जांपल इसमें दिया है, प्राइस ऑफ ए चेयर इंक्रीजेस फ्रॉम रुपीज 10 टू 20 एंड डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम 50 टू 25। क्या पहला एग्जांपल है कि चेयर की कीमत जो है 10 रुपए से 20 रुपए बढ़ के हो गई, डबल हो गई। ठीक है, और मांगी गई मात्रा जो है 50 से घट के 25 हो गई, आधी हो गई। ठीक है, अब दूसरा, प्राइस ऑफ ए टेबल डिक्रीजेस फ्रॉम 20 टू 10 एंड डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 25 टू 50। टेबल है, टेबल की कीमत जो है कम हो जाती है, 20 रुपए से कम होकर 10 रुपए आ जाती है, तब मांगी गई मात्रा जो 25 से बढ़ के 50 हो जा रही है। अब एब्सोल्यूट में देखें, देखो वहां पे चेंज चेयर में कितना चेंज है, प्लस 10 रुपीज में जो भी चेंज हुआ है प्राइस में, प्लस 10, 10 रुपए कीमत बढ़ी है। हाँ बोलो। और इसके बाद जो है चेयर के बाद क्या कहते हैं, टेबल में देखें तो टेबल में भी वही चीज हो रही है, टेबल में भी 20 से कम होके 10 हुआ है, मतलब 10 रुपीज का चेंज यहाँ पे भी आया है। नाउ इफ वी कंपेयर द चेंज इन क्वांटिटी, डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम 50 टू 25, 50 से 25 हो जाती है मांग, 25 का चेंज आया यहाँ पे भी, एंड इन टेबल डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 25 टू 50, यहाँ पे भी 25 का चेंज आया है, तो हमें लग रहा है कि सेम है। ठीक है, लेकिन अब परसेंटेज में देखेंगे तब हमें रियल पता चलेगा क्या पिक्चर है। ठीक है, देखो इफ वी परसेंटेज चेंज, देखो परसेंटेज का देखते हैं तो 1% चेंज इन प्राइस लीड्स टू 0.5% चेंज इन डिमांड फॉर चेयर। अगर 1% कीमत बढ़ती है चेयर की, कुर्सी की, तो उसकी मांग में 0.5%, आधा प्रतिशत का चेंज होता है। ठीक है, 100% चेंज हुआ है यहाँ पे, देखो 10 टू 20 100% चेंज हुआ है, देन डिमांड हैज डिक्रीज बाय 50%, मांग जो है 50% कम हुई, 100 में 50, 1 में आधा परसेंट। अब
टेबल वाले में देखो डिमांड कम हुई 50%, डिमांड नहीं सॉरी प्राइस कम हुआ 50%, चेंज इन प्राइस इज 50% एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिमांडेड इज 100%। यहाँ पे उल्टा हो गया, 1% चेंज इन प्राइस में डबल हो रहा है 2% चेंज इन टेबल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टेबल, 1% अगर कीमत बदल रही है चेयर की तो जो टेबल है उसकी मांगी गई मात्रा में 2% का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चेयर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है और चेयर की नहीं टेबल की ज्यादा है और चेयर देखो सोप आप डिमांड कर ऑफ नॉर्मल गुड्स स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो भी सामान्य वस्तु में है उनकी मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, स्लोप कितना होगा इसका कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ डिमांड कर विल बी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, यही होगा स्लोप ऑफ डिमांड कर मीन्स चेंज इन y एक्सिस है अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो ये जो कुछ भी आएगा वो हमारा डेल्टा p अपॉन डेल्टा q होगा। अब इसकी सहायता से अगर हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनानी है तो क्या करेंगे, डेल्टा p हम ग्राफ में देखेंगे, इफ प्राइस फ्रॉम ₹30 फॉल्स ₹25, कीमत है ₹30 प्रति इकाई से ₹25 प्रति इकाई हो गई, देन देयर विल बी एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, मांग वक्र में चलन होगा, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 20, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 30 यूनिट्स, पहले जो आरंभिक मात्रा थी वो 20 थी, अब नई मात्रा हो गई 30, तो क्या चेंज आया है देखते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन माइनस पी, पुरानी कीमत क्या थी सी पॉइंट पर, पुरानी कीमत थी 30, न्यू है 25 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 5, डेल्टा पी हो गया माइनस 5, तो इसे इसके सामने लिख देते हैं माइनस 5 अपॉन, अब लिखना है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू, पुरानी जो थी वो 20 थी, नई है 30 यूनिट्स में माइनस करेंगे 20 यूनिट्स 10, इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 1/2 मीन्स 0.5, ये हमारा आया स्लोप ऑफ डिमांड कर इज इक्वल टू 0.5 इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड चीज सब लोग ध्यान से सुन लो कि ये जो स्लोप है हो सकता है अलग अलग आया हर जगह पे, 0.5 इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर इन दिस क्वेश्चन। अब हम अपना जो फार्मूला देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये तो स्लोप दिखा दिया है पॉइंट सी पर। ठीक है, फार्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू जो नीचे हमारे इस क्वेश्चन में आया है, इस मतलब जब हम ये निकाल रहे थे तो डेल्टा क्यू ये जो स्लोप में डिनोमिनेटर के साइड में लिखा गया है, डेल्टा पी जो है ऊपर लिखा गया है। ठीक है,
इंटू पी अपान क्यू, सो डेल्टा पी अपान डेल्टा क्यू जो है इसका उल्टा हमको चाहिए. इट्स अपोजिट इज यूज्ड इन द डिमांड, इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फार्मूला. मांग का जो मांग की लोच है उसके फार्मूले में हमें इसका अपोजिट चाहिए, उल्टा. ठीक है, तो उल्टा क्या करने के लिए क्या करेंगे, इसको वन अपान डेल्टा पी अपान डेल्टा क्यू कर देंगे. ठीक है, वन अपान डेल्टा पी अपान डेल्टा क्यू जब हो जाएगा तो ये इज इक्वल टू वन इंटू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी के ही बराबर मानेंगे. ठीक है, वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस पोर्शन बाय वन अपान स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी की जगह पे हम वन अपान स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एक बटे मांग वक्र की ढलान भी लिख सकते हैं. तो हमारा आया था 0.5 आंसर आया था. ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर 1/0.5 इंटू पी. पी मीन्स ओरिजिनल प्राइस था शायद 30 रुपीस था, ओरिजिनल क्वांटिटी थी 20. ठीक है, अगर हमें स्लोप पता है डिमांड कर्व का तो फिर क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे. ये 0.0 कटा 1/0.5 इंटू 1.5, तो पॉइंट पॉइंट भी हट गया 3. आंसर इसका आया. ठीक है, तो ये वही चीज़ है, इसको दूसरे ढंग से हम कर सकते हैं. अगर हम स्लोप पता है तो वन अपान स्लोप जो भी है वो लिख देंगे, और पी और क्यू जो भी है ओरिजिनल वाला पुराना यानी कि वो लिखेंगे. ठीक है, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डेल्टा पी अपान क्यू एंड इट्स अपोजिट इज यूज इस अपोजिट इज मल्टीप्लाइड इन पी अपान क्यू टू गेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जो मांग वक्र की ढलान होती है डेल्टा पी बटे डेल्टा क्यू होती है, और इसका हम उल्टा यूज करते हैं, मतलब इसके उल्टे को, इसके इनवर्स को, इसके जो भी विपरीत आता है तो उसे हम पी बटे क्यू में मल्टीप्लाई करते हैं मांग की कीमत लोच पता करने के लिए. अब ये हमने -2 करके देख लिया, आंसर 3 आया है. ठीक है, अब ये पॉइंट नोट करना था कि जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर होगी तो उसका स्लोप हर जगह पे सेम होगा, बट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट, विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. ठीक है, एक कोई भी रेखा है, मांग वक्र है, अगर वो बिल्कुल सीधी रेखा है तो उसके हर पॉइंट पर उसकी ढलान सेम रहेगी, 0.2 हो सकती है, लेकिन अलग अलग बिंदु पर इसकी मांग की लोच अलग अलग होगी. ठीक है, तो अभी ये जो मेथड था, एक मेथड हमने बताया था जो होता था ग्राफ वाला मेथड, आर्क मेथड, पॉइंट मेथड, डायग्राम मेथड इसको बोलते हैं, तो ये हट गया है, अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा है. ठीक है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सम डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद सम एक्सेप्शनल डिमांड कर, जो मांग वक्र हैं कुछ विशेष टाइप की जो मांग वक्र हैं उनके आधार पर 3 विशेष मांग की लोच की स्थितियां
तीन ये स्थितियां हैं विशेष हैं, मतलब थोड़ा इसमें डिफरेंट है, जिनको हम ग्राफ को देख के ही समझ जाते हैं कि उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। ठीक, तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल मींस बिल्कुल सीधे लाइन होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ये है। सो हेयर इफ देयर विल बी वेरी स्लाइट चेंज इन द प्राइस और इफ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस स्टिल द क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज और डिक्रीज। कीमत में जरा सा भी परिवर्तन हो या ना हो तो भी मांगी गई मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है और घट भी जा सकती है। ठीक है, एट द सेम प्राइस ऑन रुपीज 4 क्वांटिटी डिमांडेड में भी 20 में भी 10 में भी 30 और एनी क्वांटिटी में भी डिमांडेड। सेम कीमत पर, उसी कीमत पर, 4 रुपए वाली कीमत पर मांगी गई मात्रा जो है कुछ भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप इसको डिमांड कर्व में शो कर रहे हैं, मांग वक्त में दिखा रहे हैं, तो एक सीधी लाइन बन रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स हर जगह पे एक्स एक्सिस और डिमांड कर्व के डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस सेम है मीन्स कीमत जो है, ये डिस्टेंस जो वाई एक्सिस की हाइट दिखा रही है, प्राइस दिखा रही है, प्राइस सेम है। ठीक है, बट क्वांटिटी चेंजेज विदाउट एनी चेंज इन द प्राइस, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग मतलब पूरी तरह से ये लोचदार मांग है। अब इसके बाद अगले ये हो गई। ठीक है, ये अब देखो कैसे स्लोप में दिखाया गया है, कैसे कटती है। ED इक्वल टू 1/ स्लोप ऑफ डिमांड कर। स्लोप ऑफ डिमांड कर इज क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड कर इज 0, कोई भी स्लोप ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कोई भी ढलान नहीं है। ठीक है, तो इंटू पी अपान क्यू, 1/0 इंटू पी अपान क्यू, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, इज इक्वल टू पी अपान 0 हुआ। अब 0 को कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इनफिनाइट, अनंत आ जाएगा। ठीक, तो अनंत है मतलब इसकी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी चेंज आ सकता है, कीमत में जरा सा चेंज आया। सेकंड, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वर्टिकल का मतलब है बिल्कुल ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के समानांतर, पैरेलल टू वाई एक्सिस समय लाइन दिखना है। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी इज 4, प्राइसेस में चेंज 2, 4, 6, कीमतें बदल रही हैं लेकिन मात्रा नहीं बदल रही है। ठीक है, एट टू रुपी पर यूनिट सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड, एट 4 रुपी पर यूनिट सेम इज डिमांडेड, एट 6 रुपीज पर यूनिट सेम क्वांटिटी डिमांडेड। हर जगह चाहे 2 रुपया प्रति इकाई कीमत हो, चाहे 3 रुपया प्रति इकाई कीमत हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, हर जगह मात्रा जो है 4 ही है, बराबर मांगी जा रही है। ठीक है, मतलब अब इसमें क्या आया, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, कीमत में चेंज हो रहा है। तो अब इसमें भी अब वही फार्मूला लगा के देखते हैं, 1/ स्लोप ऑफ डिमांड कर इंटू पी अपान क्यू रखे हैं। अब इसमें स्लोप ऑफ डिमांड कर जो है इनफिनिट है, स्लोप मतलब पूरी की पूरी ढलान ही बनी हुई है। ठीक है,
पूरी की पूरी ढलान ही बनी हुई है। तो इनफिनिट से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है जीरो। अब इसकी जगह क्वांटिटी रख के भी हम देख सकते हैं, ठीक यही चीज़ को हम चेक कर सकते हैं क्वांटिटी रख के भी। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी फोर है, चेंज इन क्वांटिटी कितना है जीरो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू का भी फार्मूला लगा के हम देख सकते हैं। मान लो टू से हम फोर तक पहुँच गए, टू पे थे फोर पे चले गए, तो डेल्टा पी विल बी प्लस प्लस टू, डेल्टा क्यू इज जीरो, कोई चेंज ही नहीं आया, इंटू पी, पी इज रुपीज टू, क्यू इज फोर, ये कट गया। जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिट आएगा, ठीक है, क्वांटिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इन्फिनिट नहीं, जीरो जब जीरो से डिवाइड करते तब इन्फिनिट आता है, ये तो इनइलास्टिक है, इसका जीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करो जीरो आंसर आता है। अब थर्ड है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन दिस टाइप ऑफ कर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वन इक्वल टू वन एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो हर जगह पर, यहाँ पे मांग की लोच एक के बराबर होगी, कोई भी चाहे पॉइंट टी हो चाहे पॉइंट जे हो, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होती है, इन सच टाइप ऑफ कर्व द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी मेड आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट वर्टिकली फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टली टू वाई एक्सिस, किसी भी पॉइंट से हम इसको एक्स एक्सिस एक्स अक्ष और वाई अक्ष में सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ें, ठीक है, समानांतर रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा किस से जोड़े, तो कोई भी पॉइंट हो ए बी टी जे, द रेक्टेंगल विच इज फॉर्म्ड बिलो द पॉइंट एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल विल बी इक्वल, एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विल बी इक्वल, जितने भी रेक्टेंगल्स बनने जितने भी इसके अंदर आयत बनेंगे वे सब बराबर होंगे, कब बराबर होंगे जब इस कर्व के किसी पॉइंट पे, पॉइंट से हम लाइन खींचे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस को टच करें, तो जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया बराबर होगा। एरिया का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे, से कैसे निकालेंगे, मान लो पॉइंट टी है ऊपर जो सबसे ऊपर लिखा है, तो पॉइंट टी एंड डी, क्यू बी इज क्वांटिटी, सो क्यू बी ओ बी है, ओ बी क्यू बी नहीं है, ओ बी इज द क्वांटिटी इंटू ओ पी इज द प्राइस, लेंथ एंड ब्रेथ यही बन जाएंगी इस रेक्टेंगल की। अब जे का निकालना है, जे में ओ ई मल्टीप्लाइड बाई ओ पी वन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ओ पी वन की जगह ई जे भी लिख सकते हैं, ये जो भी इसकी जो भी प्राइस है जो भी क्वांटिटी है उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया क्या आएगा, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर, मान लो ये टोटल एक्सपेंडिचर ही दिखाता है, ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, तो सेम आएगा, ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और हिंदी में बोलते हैं आयताकार परिवलय, ठीक है। अब आगे अगले दिन